यशपाल राणा पे गबन लगा था, वो 6 साल के निष्कासित हो गया था, उसका पर्चा नहीं भरा, लेकिन प्रशासन ने फिर उसका पर्चा भरवाया। मेरे साथ मार पिटाई हुई थी, आप भी उस टाइम मौजूद थे। अच्छा। मेरा दांत टूटा था, मैंने उसमें भी एफआईआर लगा दी। अच्छा। यार पेट्रोल पंप लगा रखे, उसमें एक चकरोड़ का मामला, उसमें पेट्रोल पंप ठोक दिया। दोस्तों मैं इस समय रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ऑफिस पर हूँ और आप यहाँ पर तहसील परिसर में जो देखते हैं, यहाँ पर अभी आपको बता दें उनके ऑफिस के बाहर यहाँ पर धरना चल रहा है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आप पीछे देख सकते हैं, शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण इर्शाद के द्वारा भूख हड़ताल। क्या क्या मामले हैं आपके पास जो धरने बैठे हैं आप? विषय तो बहुत है और समस्या भी हमारी बहुत है। पहला विषय है ग्राम प्रधान का, उस पर एक गबन लगा था पाइपलाइन का और वो साबित हो गया था, और फिर भी उसने पर्चा भरा और प्रशासन ने पर्चा भरवाई, उसकी नाकामी प्रशासन की। यशपाल राणा पे एक गबन लगा था, वो 6 साल के लिए निष्कासित हो गया था, उसका पर्चा नहीं भरा, लेकिन प्रशासन ने फिर उसका पर्चा भरवाया, तो ये फ्रॉड है और क्या आयो। और दूसरा है जिला पंचायत सदस्य सपना चौधरी, उसके रुड़की के भी दस्तावेज चले, भारापुर के भी दस्तावेज चले, ग्राम बेल्डा में दस्तावेज बना दिए, तो अब तो ये सारा फ्रॉड है, तो हम इस विषय में ले। और एक हमारे गांव में जमीन का सपना, इसके रिलेशन में इसकी साली लगती है। अच्छा। हमारे गांव में तो आज तक नहीं रही वो आगे। हाँ। ये कहते हैं वहाँ 15 साल से रह रही, लेकिन वो आज रही भी नहीं। अच्छा। कोई बता भी नहीं सकता वहाँ पे रही है। ये भी फ्रॉड है। तो जांच में इसकी फर्जी पाए गए? बिल्कुल फर्जी पाए गए, हमारे पे मौजूद है दस्तावेज, अगर चाहो हम दिखा भी सकते हैं। अच्छा, विकलांग वाला भी आपने ज्ञापन में लिखा है मामला, कोई विकलांग की पेंशन वाला? जो अच्छा भला जिसका दो हाथ दो पैर मजबूत दे रखे वो पेंशन ले रहा, 30 साल का आदमी पेंशन ले रहा। अच्छा। तो दस्तावेज हमें तो पता नहीं कौन सी भाई, वो तो प्रिंटिंग प्रेस लग रही, सचिन प्रधान ने बनाई और कौन बनवा गया, जांच हुई थी उसकी भी, हमारे पे सबूत है उसका भी, वो भी फर्जी है। टीम बना रखी, टीम जांच कर रही, भाई टीम पता नहीं हमें दिखाई दे रही, टीम क्या जांच कर रही। आपने कोई सपना आदि के लोगों के खिलाफ गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज लिखने की बात? 356 यही तो हुआ मुकदमा हो, लेकिन प्रशासन तो सुनी नहीं रहा हमारी। ये सब सहयोगी है, ये अमरीश पीड़ित है। अच्छा, इसकी घरवाली कह रहे हैं बहुत प्रभावशाली है भू माफिया, ये क्या चीज है भाई? कोई नेता है बड़ा, हमें तो पता नहीं कौन है, ऐसे प्रशासन कोई सुनता ही नहीं हमारी। पता आपको नेता का? नहीं पता नेता का, पता ही तो नहीं, अगर पता लग जाए हम तो नेता के पास चले जाते ताकि वो हो सके हमारी मदद कर दे। अच्छा, और क्या विषय भाई? और तो विषय भी है, जमीन का विषय है। अमरीश के बारे में लिखा हुआ आपने ज्ञापन में? भाई अमरीश की बहू लापता, आज तक नहीं मिली गरीब की। और इरशाद कौन है? इरशाद मैं हूँ। अच्छा, आपके साथ क्या? मेरे साथ मार पिटाई हुई थी, आप भी उस टाइम मौजूद थे। अच्छा। मेरा दांत टूटा था, मैंने उसमें भी एफआईआर लगा दी। अच्छा। यार हम पीड़ित है, बता कहाँ से भी जाएंगे, प्रशासन नहीं हमारी सुनना तो कौन सुनेगा हमारी? भाई हमें तो समझ में आता कारण क्या, प्रशासन क्यों लचीला पड़े दबरा कह तो भाई मामे पता नहीं लगता। ये आपने एक गलियर थाने का लिखा हुआ लड़कियों की सुतराई वाला मामला, क्या है ये? इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन सुना था मैंने कि लड़कियों की आपको मालूम नहीं है इस बारे में? नहीं, इसके बारे में नहीं मुझे पता। आपने लिखित में दे रहे हो, आपको मालूम नहीं है? भाई इसके बारे में मुझे इतना नहीं पता, लेकिन जो 4 आदमी ने सुना था, ले मैंने ही लिखा, मैंने जो सुना मैंने वही तो लिखा ना। मुझे सप्लाई होती है लड़कियों की, यार देते हैं। कौन कर रहा है? प्रधान करता है और कौन करता है? सचिन प्रधान। आपने नाम तो किसी और के लिखे है? मोनू और फरमान के नाम लिखे हैं। ये मोनू फरमान पकड़े गए थे गेस्ट हाउस में, उसके लिए ये उनके नाम है, इसलिए मैं वो कह रहा, ये तो उनके नाम लिखे हुए आज फरमान है मोनू है, तो बहुत बार इनमें मुकदमे है क्लियर के अंदर। एक चकबंदी के मामले में सुनील पटवारी का भी नाम आपने इसमें लिखा हुआ है, क्या चकबंदी ने भी वो से साथ मिल गए, सबने गड़बड़ कर रखी ना भाई। अच्छा, ये अलग है मामला? ये सब हमारे गांव में था, सारे मामले गड़बड़ी गड़बड़ है भाई। अच्छा, कितने ही मामले लगा रखा वो बता रहे? पेट्रोल पंप लगा रखे, उसमें एक चकरोड़ का मामला, उसमें पेट्रोल पंप ठोक दिया, वो भी मामला चल रहा है, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं। कब से है इतनी सारी मांगे आप? ये 5 साल से लड़ रहे भाई, आज तक तो पूरी हुई नहीं। लड़ रहे और कोई लड़ रहा भाई? जो मंजिला चलते कारवा बनता चला, मैं अकेला ही लड़ रहा, मेरे सहयोगी है गांव मेरे साथ, अब आप देखते जाइए सब लड़ते चले जाएंगे। भूख हड़ताल आपने की है, कब तक जारी रहेगी? ये भूख हड़ताल जब तक जारी रहेगी तब तक इंसाफ नहीं मिलने का। ये आंगनवाड़ी वाला मामला क्या है जो आप लिखा? आंगनवाड़ी फर्जी है। कैसे भाई? 1000 का आएगा प्रमाण पत्र लगा रखे हैं, 100-100 बीघे के मालिक है, बताओ ये आंगनवाड़ी फर्जी क्यों नहीं है? आएगा प्रमाण पत्र, मेरा तो बनता नहीं 1000 रुपए का। सब कुछ दोषी, वही कागज वही बनवाता तो आज तक भी नहीं हुई भाई।
अच्छा ये पेड़ खड़े थे आश्रम के बराबर में वाला? वो सरकारी जमीन में खड़े थे पेड़, वो रास्ते की जमीन है, वो उसने खुद कटवा दिया। किसने? सचिन प्रधान ने। वो नुका मेरी जमीन है, आप पैमाश करा लो, जमीन सरकार की हो।